नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। मैं जेनिथ क्लिनिक से बोल रहा हूँ। जेनिथ क्लिनिक पिछले 11 साल से कॉस्मेटिक एंड रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में इंडिया में काफ़ी फेमस नाम बन चुका है और हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली लाइपोसक्शन प्रोसीजर करते हैं। आज हमारा जो वीडियो है लाइपोसक्शन के बारे में डिटेल जानकारी देना है। सो पेशेंट की काफ़ी सारी क्यूरीज रहती हैं, उसको हम लोग को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम लोग मुझ में या जो पेशेंट है उसमें लाइपोसक्शन किया जा सकता है नहीं, या फिर वो सही कैंडिडेट है या नहीं। अगला क्वेश्चन रहता है कि इसका कॉस्ट कितना रहेगा। पेशेंट ये भी पूछते हैं कि इसमें कितना वेट लॉस होगा और इसमें साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, या फिर साइड इफेक्ट होगा तो कितना सीवियर होगा या क्या साइड इफेक्ट होगा और किस तरह से प्रोसीजर की जाती है। तो ये सारे सवाल हैं जो हम लोग आपको जवाब देंगे। सो पेशेंट का क्वेश्चन रहता है कि लाइपोसक्शन किन लोगों में किया जा सकता है, हु आर द राइट कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन। सो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये सबके लिए नहीं है और साथ ही ये डाइटिंग और एक्सरसाइज का अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब आप डाइटिंग और एक्सरसाइज तो आपको हर किसी को करना ही चाहिए, चाहे वो फिट हो, अनफिट हो, कैसा भी व्यक्ति हो। तो लाइपोसक्शन ऐसा नहीं है कि आप ये करेंगे तो वो ना करें। सो पहला चीज़ तो आप ये समझ गए। दूसरी बात यह है कि जो लाइपोसक्शन में करते क्या है, जो स्किन के नीचे जो फैट रहता है उसे हम लोग निकालते हैं। मतलब जो विसरल फैट है उसे हम लोग नहीं निकाल सकते। जो सबक्यूटेनियस फैट रहता है, जैसे एब्डोमेन में सबक्यूटेनियस फैट होता है और एक विसरल फैट होता है जो इंटरनल ऑर्गन के आसपास रहता है, स्टोमक, लीवर, किडनी। तो लाइपोसक्शन के द्वारा हम लोग सबक्यूटेनियस फैट निकालते हैं। सिमिलरली आर्म्स और थाई में जो भी फैट रहता है वो सबक्यूटेनियस ही होता है, उसे हम लोग लाइपोसक्शन के द्वारा निकाल सकते हैं। तो यदि आपका फिगर का सही नहीं होना, अगर फैट की वजह से, अधिक फैट के होने की वजह से है, तो वो हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। कई लोगों का बोनी आर्किटेक्चर या बॉडी का शेप या मस्कुलर शेप इस तरह से रहता है कि वो डिफॉर्म लगता है, तो उसमें ये काम नहीं करेगा। तो यदि फैट की वजह से डिफॉर्मिटी है तो वी कैन करेक्ट इट। दूसरा, कई लोगों में यदि बॉडी में सब जगह फैट है तो फिर उस कहाँ कहाँ लाइपोसक्शन करेंगे, ये पॉसिबल नहीं रहता है। तो सुटेबल ये उन लोगों में रहता है कि जहाँ पर एक या दो एरियाज में फैट ज़्यादा रहता है। मोस्ट कॉमन जो एरियाज टारगेट रहते हैं, जैसे कि अब्डोमन हुआ, थाइज हुआ, हिप्स हुआ, आर्म्स हुआ, चिन या ब्रेस्ट के साइड वाला एरिया। तो आमतौर पर पेशेंट्स में एक या दो एरिया में या कई बार तीन एरिया में हम लोग लाइपोसक्शन कर सकते हैं। कई लोग बिल्कुल फिट रहते हैं, वजन भी ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन कुछ पार्ट बॉडी का रहता है कि जहाँ का फैट जाता ही नहीं है, रिडंडेंट फैट बोलते हैं। कई बार हेरिडिटरी रहता है कि सैडल बैक होता है या फिर एब्डोमन के लव हैंडल्स में एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेशन रहता है कि वो कुछ भी कर लेते हैं वो फैट जाता ही नहीं। तो उस तरह के पेशेंट के लिए ये लाइपोसक्शन एक बहुत ही सुटेबल माध्यम है उस फैट को निकालने के लिए। अब लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मेरा कितना वेट लॉस हो जाएगा या कितना फैट निकल जाएगा। तो आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि जो लाइपोसक्शन जो प्रोसीजर रहती है वो बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है, बॉडी का रीशेप करने का प्रोसीजर है, वेट लॉस प्रोसीजर प्राइमरीली नहीं है। सो जैसे कोई भी आपको देखता है तो वो आपका शेप से आपका अंदाजा लगाता है कि कितना आपका वजन होगा, कोई वजन लेके नहीं देखता है। तो अगर आपका साइड के बल्जेस ज़्यादा है, एब्डोमेन बड़ा है, थाइज में बल्जेस ज़्यादा है, प्रॉपर शेप नहीं दिखता, तो उसके लिए लाइपोसक्शन ठीक है। लेकिन यदि हम लोग कुछ फैट निकालेंगे तो ऑब्वियसली कुछ वेट लॉस भी होता है, लेकिन प्राइमरली मेन इसका जो उद्देश्य रहता है शेप को सही करना। अब फैट कितना निकलेगा वो बहुत वेरी करता है पर्सन टू पर्सन में। जैसे कि एब्डोमन, थाइज हमने दोनों एरिया का करा, 90 केजी का वेट है, तो उसमें हम लोग 12 लीटर 13 लीटर तक फैट निकाल पाते हैं। यदि साइमल्टेनियसली और भी एरियाज हैं, आर्म्स का या ब्रेस्ट के साइड का हमने लाइपोसेक्शन किया, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ फैट है 14-15 लीटर तक हो सकता है। कई बार हम लोग दो दिन लगातार भी प्रोसीजर करते हैं कि फर्स्ट डे दो एरिया कर लिया, नेक्स्ट डे वन और टू एरियाज कर लिया, ऐसा भी होता है। तो वेट लॉस कितना होगा, तो वो तुरंत वेट लॉस नहीं होता है, क्योंकि जो हम लोग लाइपोसक्शन करते हैं तो उसके बाद स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग मतलब एडिमा होना, एडिमा मतलब कि वाटर रिटेंशन, जो बॉडी है वाटर को रिटेन करता है। तो उस वजह से तुरंत आपको वेट लॉस में नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्वेलिंग कम होती है अगले 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 3 महीने तक में, तो फिर उसमें वेट लॉस में असर आता है। तो हम लोग जितना फैट निकालते हैं आमतौर पर उतना या उसके बाद 60-70% तक आपका वेट लॉस होता है, लेकिन शेप में जो है या इंच लॉस है वो ड्रास्टिकल होगा उसमें सर्जरी के बाद। अब ये प्रोसीजर करते हैं किस तरीके से हैं, ये हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस में पहले बता चुके हैं। तो इसका एब्डोमन का लाइपोसेक्शन, थाई का, आर्म्स का, इसके बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं। तो डिटेल ऑफ द प्रोसीजर आपको उन वीडियोस में मिल सकती हैं, वो हम लोग इस वीडियो में सर्जिकल वीडियो नहीं बता रहे हैं।